साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मास कम्युनिकेशन क्लास 12 NIOS 335 का नमूना परिचय सवालात। इसके अंदर हमें ये करना है कि एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर आएगा और कहाँ से कितने नंबर आएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि कितने किस उसमें से कितने नंबर का जो है सवाल आएंगे, मारूजी सवालात कितने होंगे, मालूमाती वजाहती मश्की और कुल नंबर कितने होंगे। तो थ्योरी का जो पर्चा है वो आपका 80 नंबर का आएगा और 3 घंटे का आपको वक्त दिया जाएगा। ठीक है, और नंबरों की तकसीम जो है इस तरह से यहाँ पे दिखाई गई है, आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है नंबरों की तकसीम है कि भाई किस में से कितने उसका आएगा, आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो तवील सवाल आज जो होंगे वो 4 नंबर के होंगे और 24, और जो इस तरह से पूरा जो है कुल निशान यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ पे सवाल को पर्चा देख लेते हैं भाई कैसा है। तो पहला सवाल है कि सवाल नंबर एक है कि कदीम मालूमात, देखिए पहले ये पढ़ लेते हैं। सेक्शन ए के सभी सवाल लाजमी है, सेक्शन बी अपने इंतखाब करदा मॉड्यूल से सवाल कर सकते हैं। सेक्शन 3 में हर एक सवाल के नंबर उसके सामने दिएगा। तो सेक्शन ए के अंदर हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कदीम मालूमात और सूझबूझ एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक किस तरह पहुँचती थी। ठीक है, पुराने ज़माने में जो मालूमात होती थी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक किस तरह पहुँचती थी, तो इसका जवाब है ज़बानी, यानी जो मालूमात पहुँचती थी वो ज़बानी पहुँचती, जैसे मैंने किसी से कहा उसने आगे फिर अगली नस्ल को ये बात पहुँचा दी, तो ये ज़बानी पहुँचती। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें किताबों से नहीं मिलती बल्कि हम ज़बानी सुनते हैं और फिर उसे आगे पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो वो जो बात होती थी वो ज़बानी होती थी जो पहुँचती थी। अब दूसरा सवाल है सवाल नंबर 2 के अवामी ज़राए ब्लाक के तौर पर रेडियो के मकासद में किसी एक के बारे में बताएं, जो रेडियो के क्या मकासद थे उसके किसी एक के बारे में हमें बताना है। तो इसका जवाब है कि हम जो मालूम पहला काम है रेडियो का मालूमात देना, दूसरा है तरबियत देना, तीसरा है लुत्फ अंदरोज करना। कोई एक पॉइंट आप इसमें से लिख देंगे कि भाई रेडियो का जो काम है वो मालूमात देना है, या ये लिख दें तरबियत देना, या ये लिख दें लुत्फ अंदरोज करना है। अब इसके बाद तीसरा सवाल है कि फ़र्ज़ कीजिए आप किसी रेडियो स्टूडियो में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप उसके लिए किस तरह का माइक्रोफोन इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जवाब आप लिखेंगे बाई डायसिकल माइक्रोफोन। ठीक है, ये वाला हम माइक्रोफोन इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 के तहरीरी तरसील के क्या फ़ायदे हैं, मतलब अगर कोई लिख के तरसील करता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसका जवाब जो है यहाँ पे दे रखा है कि तहरीरी तरसील अल्फाज और ख्यालात को मुस्तकिल बनाती है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा जानकारी मालूमात उन लोगों को फराहम होती है जो पढ़ लिख सकते हैं, तीसरा तसव्वुरात को फैलाने में रहनुमाई करती है, तीसरा सियासी और समाजी तरीक़ों को तेज़ करती है। कोई भी 2 पॉइंट नहीं, जो तहरीरी जैसे अखबार है इसके ज़रिए क्या होता है कि भाई पढ़े लिखे लोग इसको समझ सकते हैं और ये मुस्तकिल होती है, ऐसा नहीं मिटा दिए जैसे मोबाइल है डिलीट हो गए, ऐसा नहीं, परमानेंट आप इसे सेव करके रख सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर जो है 5, अखबार में सब एडिटर के कामों के कोई 2 कामों का जिक्र की, जो अखबार में सब एडिटर होता है उसका काम क्या है, उसके 2 कामों का जिक्र करना है। 5वां सवाल का जवाब है गलतियों को दोहराने से रोकना, जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनकी चेक करता है, रिकॉर्ड को खुद कदर वक़ामत के लिहाज से अहम बनाना, कहानी के लिए मौजू उनवान तलाश करना, रिपोर्ट में तस्वीर और ग्राफ वगैरह शामिल करना, कहानियों को दोबारा लिखकर उनको एडिट करके और ज़्यादा वसी करना, न्यूज़ एडिटर को ज़ेली लाइनों पर मशवरा देना ताकि वो मशवरे से रिपोर्ट दे सके। कोई भी 2 पॉइंट आप इसमें से लिख देंगे, वैसे इसके अंदर 6 पॉइंट है। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 6 के रेडियो स्टेशन के उन 2 स्टेशन विंग्स के नाम बताएं जो रेडियो स्टेशन की नशरियात के ज़िम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो कोई आपको जो है 2 बताने 6 के, तो 6 के सवाल के जवाब यहाँ पे मैंने लिख दिए, आप देख सकते हैं 6 सवाल के जवाब के प्रोग्रामिंग विंग और इंजीनियरिंग विंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग विंग होती है और इंजीनियरिंग। 7वां सवाल है इसके अंदर के अफसानवी प्रोग्राम गैर अफसानवी प्रोग्राम से किस तरह मुख्तलिफ होते हैं,
दोनों अकसाम के प्रोग्रामों की एक एक मिसाल दीजिए, अफसानवी प्रोग्राम और गैर सातवा। तो सातवें का है कि मन गढ़त कहानी, तख्लीकी और ड्रामे कारी पर मुनासिब मिसालें सीरियल, जो सीरियल होते हैं कहानी होते हैं, मतलब अफसानवी होते हैं और गैर अफसानवी होते हैं जो हकीकी कहानी आमतौर पर मालूम फराहम करते हैं और तरबियत देते हैं। मिसाल खबरनामा, खेल, सवालात के खेल, बातचीत और तबादला ख्याल प्रोग्राम वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सच्चाई होती हैं। देखिए अफसानवी होता है कहानी और गैर अफसानवी होता है जो हकीकी होता है, ठीक है। अगला सवाल है इश्तिहार के लिए गीत और सूती बसरी ज़राए पर इश्तिहार में फ़र्क बताएं, ठीक है। तो आठवां का जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुकबंदी एक गनाई नगमा है जिसे मसनूआत का इश्तिहार करने के लिए इस्तेमाल किया। इस तुक सूती बसरी मसलन इबलाग, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और केबल टीवी आने वाले इश्तिहार हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 9 है यहाँ पे कि किसी ऐसा प्रोग्राम पैगाम काम के बारे में लिखे जिसे नए ज़राए इबलाग के ज़रिए तरसील अंजाम दिया जा सकता है, उसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई मिसाल अपना सकते हैं। सवाल नंबर 9 का जवाब यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि हिंदुस्तानी रेलवे की वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, एयरलाइनों की वेबसाइट के ज़रिए फ़िज़ाई परवाज़ों की टिकट बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग सेंटरों में जाना, ऑनलाइन मसनूआत की ख़रीदारी, स्कूल कॉलेजों की वेबसाइट के ज़रिए तालीमी निसाबात के बारे में इत्तला तक रसाई, कोई भी 2 पॉइंट इसमें से आप लिख देंगे, क्योंकि सवाल ही यही था कि जो है कोई ऐसे प्रोग्राम के बारे में लिखें जो ज़राए ब्लॉग का काम अंजाम दे सकती है मास मीडिया यानी इंटरनेट के ज़रिए। तो मैंने मिसाल 10वां सवाल है कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ज़िंदगी में बैनी शख्सी तरसील की किस तरह इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 10 का जवाब है कि दोस्तों और मेहमान ख़ानदान के साथ बातचीत, मीटिंगों और कॉन्फ्रेंसरों के दरमियान, मसनूआत की फ़रोख्त के काउंटर पर, इंटरव्यूज़ के लिए। तो इनमें से हम अपनी शख्सियत को किसी 2 तरह से बता सकते हैं। अगला सवाल है ये सवाल नंबर 11 के इशाती ज़राए ब्लाग और इलेक्ट्रॉनिक ज़राए ब्लाग के दरमियान कोई 4 फर्क बताएं, ठीक है। 4 नंबर में इशाती ज़राए ब्लाग और इलेक्ट्रॉनिक यानी जो अखबार हैं और जो टीवी है, तो इसका जवाब है जवाब नंबर इशाती जो होता है वो तालीमी इशाती ज़राए ब्लाग के लिए बुनियादी ज़रूरत है, यानी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, सिर्फ पढ़े लिखे आदमी ही उसे पढ़ सकता है जैसे अखबार, और इसमें एक नाखवानदा आदमी भी खबर देख सकता है और सुनकर थोड़ा बहुत समझ सकता है कि वो खबरों में तहरीर मवाद को नहीं समझ पाता। दूसरा इशाती ज़राए ब्लाग वक्त की कैद के मुताबिक काम करते हैं, सुबह के अखबार में आमतौर पर गुज़िश्ता दिन की आधी रात के वक्त तक की खबरें छपी पाई जाती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक में वक्त की कोई कैद नहीं, खबरें किसी भी वक्त भी सुनाई जा सकती। तीसरा इसमें पॉइंट है इशाती ज़राए ब्लाग का असर ज़्यादा गहरा होता है, कारीन चाहे तो खबर दोबारा पढ़ सकता है और उसका तज़्ज़ुबा, इलेक्ट्रॉनिक ज़राए ब्लाग का फौरन असर होता है, नाज़रीन खबर को दोबारा नहीं सुन पाते, ठीक है। तो ये 4 लिखे हैं यहाँ पे, 7 लिखे हैं, आपको 4 लिखने हैं, यहाँ से और भी देख सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर कम्युनिटी रेडियो से आप क्या समझते हैं, सवाल नंबर 12 है कम्युनिटी रेडियो से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब है कम्युनिटी रेडियो एक ही तरह की बरादरी या मोहल्ले महदूद इलाके के मफाद को पूरा करता है, मकामी बरादरी से मुतालिक है, उसके लिए मकबूल प्रोग्रामों को नशर करता है, मकामी बरादरी की ज़बान बोली में प्रोग्राम नशर करता है, मकामी तरक्याती मौजू पर तरक्की तवज्जो मरकूज करता है, यानी जो कम्युनिटी यानी किसी इलाके का जो एक रेडियो होता है खास तो उसी इलाके के बारे में बात करता है। अब इसके बाद सवाल नंबर 13 है इसके अंदर कि रेडियो की कोई 4 कमियाँ बताएं, रेडियो की 4 कमियाँ बताएं। तो रेडियो की 4 कमियाँ क्या हैं, एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला ज़रा है, बसरी अक्सों का फ़कदान है, मतलब सिर्फ हम देख नहीं सकते, रेडियो पर दी जाने वाली मालूमात पैगाम आसानी से फरामोश कर दी जाती है क्योंकि सुन रहा होते हैं, बहरेपन के मरीजों के लिए कारामद नहीं, सामयीन की दिलचस्पी इनको मुनसर होती है कि इतलाव पैगाम किस अंदाज में पेश किए जाते हैं, कोई भी 4 लिख दें। इसके बाद जो है सवाल नंबर 14 है कि फ़र्ज़ कीजिए आप टेलीविज़न के किसी प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं,
अपने चार अहम खास और अहम जिम्मेदारियां बताएं। ठीक है, तो 14 सवाल का जो जवाब है वो ये रहा कि इदारों की हिदायत देने वाला इंचार्ज, तकनीकी कार्रवाइयों का इंचार्ज, स्क्रिप्ट के मौसर सूती और बसरी प्रोग्राम में डालने की जिम्मेदारी, कैमरे के दुरुस्त जगह पर कंट्रोल, अदाकारों की पोजीशन का तायुन। ठीक है, इस फैसले पर कंट्रोल करने के किस किस्म की तस्वीर ली जाए, कोई भी चार पॉइंट लिख देना, छः पॉइंट लिख देना। इसके बाद 15वां है कि अवामी तहकी तख्लीकात बनाने में अशिया को फ़र्क देने के चार तरीक़ों के नाम बताएं। ठीक है, तो कोई चार तरीक़ों के नाम बताने, वेबसाइट अवामी ताल्लुकात बनाने में अशिया को फ़र्क देने के कोई चार तरीक़े बताएं। 15वां, अगर कोई आप चीज़ बेचना चाहते हैं तो उसमें क्या आप किस तरह बेच सकते हैं, खसूसी प्रोग्राम मुनाकिद करके, नुमाइश लगा के, बैरूनी अलमारियों में सामान सजा के, ग्राइब लाग के प्रोग्राम मसलन प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग, तहरीरी मवाद मसलन पम्पलेट और किताबचे तकसीम करके लोगों को बता सकते हैं। अगला सवाल है, वेबसाइट से क्या मुराद है, वेबसाइट की जगह का क्या मतलब है। ठीक है, 16वें सवाल का जवाब आप देख सकते हैं। वेबसाइट क्या होती है, सबसे ज़्यादा नया ज़राए ब्लॉग वेबसाइट है। ठीक है, नशी वेबसाइट वो होती है जिसमें बहुत सी मखसूस मौजूदात मसलन सियाहत सेहत वगैरह से मुतालिक जानकारियाँ होती हैं। सवाल नंबर 17 है इसका, ऐसे चार तरीके बताएं जिसके ज़रिए नए ज़राए ब्लॉग से तालिबे इल्मों को फ़ायदा पहुँच सकता है। तालिबे इल्मों को फ़ायदा पहुँचने के सबसे पहले तो यही आप दे सकते हैं, यूट्यूब है, मेल भेज सकते हैं मौसूल पर, वो अपने प्रोजेक्टों को मकामात के लिए मौजू के बारे में रसाई कर सकते हैं, वो अपने ख़ुद के ब्लॉग या ऑनलाइन ड्राइव बना सकते हैं, वो मुख्तलिफ़ शोबों नए ड्राइव ब्लॉग वाले तख्लीकी मैदानों में काम करते हैं और रोज़गार हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 18, ऐसे 6 नुकात बताएँ जो किसी वाक़े हादसे की खबर को लायक बनाते हैं, मतलब वो लगता है कि भाई खबर है। सबसे पहले वक्त की दुरुस्ती, खबर कुछ नहीं है ऐसी लिए खबर का फैसला करते हुए वक्त की दुरुस्तगी सबसे है। असर, किसी वाक़े का असर की अहमियत वाजे करती हैं कि वो सुनामी की लहरें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचाती हैं तो कितने लोग मुतासर हैं। क़ुरबत, ठीक है, बर्ड फ्लू फैल रहा है इंग्लैंड में, हज़ारों लोग मर रहे हैं, क्या आप इससे खबर से क़ुरबत होंगे, पढ़ के रख देंगे, लेकिन अगर पास में फैलेगी तो आप इससे क़ुरबत होंगे, पास की खबर होगी। तीसरा है तनाज़ा, लोग तनाज़े को पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़े इसी खबरें। शोहरत, अगर कोई मशहूर मुमताज़ आदमी किसी वाक़े से जुड़ता है तो उसकी खबर बन जाती है। ताज़ापन, ताज़ा होनी चाहिए, नहीं कि परसों की खबर थी अब सुना रहा। अनोखापन, कुछ अलग होना चाहिए। अनोखापन यही है कि भाई जैसे आपने कुत्ते ने आपको काटा तो कोई अनोखापन नहीं, लेकिन आपने कुत्ते को काट लिया तो ये खबर बन जाएगी। ठीक है, इसमें ये दिया कि एक औरत ने बच्चों को जन्म दिया तो कोई खबर नहीं, लेकिन एक ही औरत ने 3 बच्चों को जन्म दिया तो खबर नहीं। ठीक है, अब इसके बाद जो है भाई अगला सवाल है, टेलीविज़न की अहम खसूसियात क्या है। तो टेलीविज़न की अहम खसूसियात बता देते हैं आपको भाई। सबसे पहले इसको तस्वीरें आवाज़ें शामिल होती हैं। टेलीविज़न एक घरेलू करीबी ज़रिया है, एक बरका ज़रिया है जिसके ज़रिए इत्तलात फौरी। टेलीविज़न एक अवामी ज़राए ब्लॉग है, टेलीविज़न एक तकरीरी मिसाल है। ठीक है, ये सारी बात आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगला सवाल है कि ऐसी सूरत हाल का जिक्र कीजिए अब आवाम की तवज्जो मबजूल करने के लिए खारजी ज़राए का इस्तेमाल करना पड़े। अपने इंतखाब करदा खारजी ज़राए ब्लॉग की शक्लों की वजाहत कीजिए। ठीक है, तो ये 20वां सवाल है, इसका जवाब यही है कि सड़कों पर आवेज़ा बड़े बड़े बोर्ड मुख्तलिफ मसनूआत के बारे में जानकारी फराहम करते हैं, उनकी होर्डिंग कहा जाता है। ठीक है, ये तवज्जो खींचते हैं अपने पैगाम, इत्तलात बस की बेलों पर लिखे होते हैं, भारी भरकम गुब्बारों से पैगाम लिखे जाते हैं, ये सब हम अपनी तरफ क्या करती हैं, हमें इस तरीके से आकर्षित करती हैं, अपनी तरफ मुतवज्जो। इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल जो है आसान है कि आखिरी मॉड्यूल सेक्शन भी है। ठीक है,
इसके अंदर है कि वजीर आजम तेज़ रफ्तारी के साथ पूरे हिंदुस्तान को पैगाम देना चाहते हैं, इस सूरत हाल में कौन सा ज़राए सबसे इस्तेमाल करना बेहतर हो, इलेक्ट्रॉनिक ज़राए या रिवायती ज़राए मिला। तो 21वें का जवाब हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज़राए मिला इंटरनेट के माध्यम से, उसके ज़रिए से। कठपुतलियों की चार बुनियादी अकसाम कौन सी हैं? तो इसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दास्तानों वाली कठपुतलियाँ, धागों वाली कठपुतलियाँ, ठीक है, बाँसों वाली, नस्ब कठपुतलियाँ, साय वाली कठपुतलियाँ। इसके बाद 23वां सवाल है कि ऐसे दो तरीके शनाख्त किए जिसके जरिए रिवायती ज़राए इबलाग समाज को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ईस्ट और पोलियो से बचाव जैसे मौजूदात के बारे में बेदारी पैदा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी सामाजिक और रसूमाती, अखलाकी और जज्बाती ज़रूरतों का इजहार आवाम के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है, और ये ताल्लुकात अच्छे बता सकते हैं, ठीक है, घरों को सजाना है सब देख लेना। इसके बाद है 24वां सवाल, फ़र्ज़ कीजिए आप सामाजिक मसाइल के बारे में जानकारी फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, ऐसी चार खसूसियात का जिक्र कीजिए जल्द नाजरीन आपके पैगाम को मौसर तरीके पर पहुँचने में आपकी मदद करेंगे, यानी नाजरीन तक पहुँच जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं नाजरीन के साथ आँख से आँख का करीबी रबता उन्हें ड्रामे की कार्रवाई की तरफ मसरूफ, अदाकारा नाजरीन की अकाबी नज़रों के सामने होता है। तीसरा, नाजरीन को ज़्यादा मशगूल रखने के लिए उन्हें आवाज़ से आवाज़ मिलाकर गाने की दावत, नुक्कड़ नाटक की हर कोई नौीयत उन लोगों तक पहुँचाए मदद दी जाती है, आमतौर पर थप्पड़ नहीं जा पाता, ठीक है, मतलब सब जगह नहीं जाता। अगला सवाल है इसका आखिरी के रिवायती ज़राए इब्लाग और इलेक्ट्रॉनिक ज़राए इब्लाग के दरमियान फ़र्कों की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, जवाब नंबर 25, के टेलीविज़न अपनी नौीयत के लिहाज से तकनीकी, रिवायती अब्लाग गैर तकनीकी। रिवायती अब्लाग में नौीयत के लिहाज से लचकदार है टेलीविज़न की लचकदारी अख्तियार करना मुश्किल, और ये सारी बातें आप इसमें देख लीजिए। आगे भी कुछ सवाल दे रखे हैं, मैं आपको इनके जवाब दिखा देता हूँ, ठीक है, ये सवाल हैं देख लीजिएगा आप और इसके जवाब यहाँ, ठीक है, ये मैंने बना दिया आपके लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक देखें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।